हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर वन। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड इन लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर व्हिच वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर वन का बेटा। ओके, अप्रोक्सीमेटली सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, वैसे ये चैप्टर इतना हार्ड है नहीं, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सो लास्ट टॉपिक है आज हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स एंड कीज के बारे में हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? दे गिव रेफरेंस, इट मींस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिजम्स, ओके, हाउ कैन वी प्रिजर्व देम, दैट इज डिस्कस विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके, दे आर गिविंग रेफरेंस, ओके, दे आर गिविंग रेफरेंस टू द नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग। देखिए, नॉन लिविंग की अगर बात आ जाती है, इफ यू वांट टू नो अबाउट सम प्लांट्स और सम एनिमल्स, फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेस्ट में गए और वहां पे आपको कोई प्लांट मिल गया, नाउ यू वांट टू नो अबाउट दैट प्लांट, या फिर पहले जो लोगों को प्लांट्स मिले तो आपको उसके बारे में कुछ जानना है, तो आप कहां जाएंगे? कीज पे जाएंगे, अगर उसके फीचर्स उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। बट अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया, देन वी हैव टू बी प्रिजर्व इट। ओके, उसको हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करते हैं कि बाद में अगर इन फ्यूचर किसी को देखना है, वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे डायनासोर्स हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनके बारे में अगर किसी को स्टडी करनी है, देन वी हैव टू प्रिजर्व दैट। ओके, तो सबसे पहले बात आती है टैक्सोनॉमिक एड्स में, अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, नॉन लिविंग फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, तो प्लांट्स का जो प्रिजर्वेशन का तरीका वो होता है हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम क्या होता है? इसमें देखिए, प्लांट्स को हम ड्राई करते हैं एंड देन स्टोर, ओके, ड्राई करके फिर उनको स्टोर करते हैं, किसी प्लांट्स के लीव्स को, किसी प्लांट के फ्लावर्स को, या पूरा प्लांट का प्लांट हम यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये होता है हर्बेरियम, यानी प्लांट को अगर आपको प्रिजर्व करना है, देन वी आर यूजिंग ए टैक्सोनॉमिक एड, दैट इज नोन एज हर्बेरियम। अब हर्बेरियम होता है क्या? देखिए, हर्बेरियम की एक सीट होती है, जनरली पूरी सीट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर कोई भी प्लांट आपने कलेक्ट किया, यू हैव टू बी पेस्टेड दैट प्लांट ओवर इट, तो हर्बेरियम सीट के ऊपर पूरी डिटेल मेंशन की जाती है, ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, जिस डेट को आपने कलेक्ट किया था, नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, सबसे पहले हमने बात की डेट ऑफ कलेक्शन, अंडरस्टैंड बेटा, उसके बाद बात आती है नेम ऑफ पर्सन हु कलेक्टेड इट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेलिटी, कौन सी लोकेलिटी में मिलता है या मिला था, एग्जैक्टली है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें वेनेशन की टाइप्स, किस टाइप का वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन क्या होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है लिम्स के ऊपर, ओके, या मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे, वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है लिम्स के ऊपर वो रेटिकुलेट है या पैरेलल है, वेनेशन, रूट टाइप्स, ठीक है, फ्रूट्स कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, वगैरह वगैरह, मतलब सारे डिस्क्राइब्ड डिटेल, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसकी इस पे रिटर्न होगी, डिस्क्राइब्ड डिटेल। ओके बेटा, और हर्बेरियम में क्या होता है, जो भी फाइल होती है हर्बेरियम, जो सीट होती है, दिस इज हर्बेरियम सीट, जैसे आप आगे अगर एमएससी बीएससी करेंगे तो वहां पे आपको ये कलेक्शन बनाना पड़ता है, तो हर्बेरियम सीट आपको लेनी होती है, एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन देयर कि भाई डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, किस पर्सन ने कलेक्ट किया, किस लोकेलिटी से कलेक्ट किया, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका वर्नेकुलर नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसके किस टाइप की रूट्स इसमें मिलती है, किस टाइप का वेनेशन इसमें है, इज दैट क्लियर, फ्लावर्स किस टाइप के हैं, एवरीथिंग शुड बी मेंशन ऑन द हर्बेरियम सीट, और फिर इनको जो है फाइल्स में कलेक्ट करके और इनको स्टोर किया जाता है, अंडरस्टैंड, फ्यूमिगेटेड करके, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह इसमें लगे नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राई इसीलिए किया जाता है इनको, ठीक है, सन ड्राइड किया जाता है, या सन ड्राइड से बेटर ऑप्शन होता है कि जो भी प्लांट है उसको आप लेके उसको सीड्स के अंदर रखें, उसको प्रेस कर दें, उसके ऊपर कोई हैवी वेट रख दें, 15-20 दिन में जब वो ड्राइड हो जाता है, देन वी हैव टू बी पुट इट ओवर द हर्बेरियम सीड। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, टैक्सोनॉमिक एड की हम बात करें, नॉन लिविंग का रेफरेंस अगर हम करें तो उसमें प्लांट्स को हम कैसे स्टोर करते हैं हर्बेरियम में। सेकंड बात होगी एनिमल्स का, तो एनिमल्स का कैसे प्रिजर्व करते हैं, देखिए आपने देखा होगा लेबोरेटरी वगैरह में, अगर आप अपने स्कूल में गए हैं तो आपने लैब में देखा होगा कि आपको प्रिजर्वेशन मिलता है, यानी आप देखते हो वहां पे कुछ जार्स रखे होते हैं और जार्स के अंदर जो भी है अलग अलग टाइप के एनिमल्स स्टोर होते हैं। क्लियर है? इस जार में जो भी एक स्लिप लगी होती है, उस स्लिप पे उसका नेम लिखा होता है, उसका वर्नेकुलर कॉमन नेम, उसका किंगडम फाइलम वगैरह। तो देखिए, ये जो स्टोरेज होता है, अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ये जो स्टोरेज होता है, ये होता है एक लिक्विड में जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन। ओके, इससे क्या होता है,
तो ये गलते सड़ते हैं और इससे जो स्मेल भी नहीं आती, काफी समय तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एनिमल्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन में एक तो फॉर्मेलिटीहाइड में स्टोर करके रखते हैं इनको। सेकेंड क्या है, स्टफ्ड एनिमल। स्टफ्ड एनिमल आप किसी जू वगैरह में तो नहीं, खैर म्यूजियम में, ठीक है, म्यूजियम में अगर आप गए हैं, ठीक है, तो म्यूजियम में आपने देखा होगा स्टफ्ड एनिमल होते हैं। स्टफ्ड एनिमल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन की स्किन मिल गई, इज इट क्लियर। हालांकि ड्रॉइंग बहुत अच्छी तो नहीं आती है, बट आई कैन ट्राई। ताकि उसकी आउटर लुकिंग आपको हो जाए कि हाँ भाई जो लाइन है इसकी आउटर लुकिंग ये है, तो ये दैट इज नोन एज स्टफ्ड एनिमल। स्टफ्ड यानी उसके अंदर का सारा मांस निकाल के और उसकी स्किन को फिल करके रख देते हैं, दैट इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द ओरिजिनल एनिमल। ओके, दूसरा है इंसेक्ट बॉक्स। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को स्टोर किया जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स की सबसे पहले बात है, टैक्सोनॉमी केस में नॉन लिविंग एनिमल्स को कैसे स्टोर करना है। तो प्लांट्स की हमने बात की हर्बेरियम के थ्रू, और एनिमल्स की बात की हमने, एक तो प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में, दूसरा है स्टफ्ड एनिमल, और तीसरा है इंसेक्ट बॉक्स। इज दैट क्लियर। अब बात आते हैं बेटा लिविंग की, तो अगर हम लिविंग की बात करें, तो अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो वी आर गोइंग टू द बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, दीज आर लाइक गार्डन बट दे हैविंग द वाइड वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स, वाइड वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की वाइड वेराइटीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर। वेरियस टाइप के प्लांट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज के, जीनस के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उनके जो पास एक बोर्ड लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉटनिकल गार्डन में गए और यहाँ पे आपने एक ट्री देखा, तो इसके पास में आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिसमें उसका साइंटिफिक नेम यानी बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम लिखा रहता है, ठीक है। तो वहां पे वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट का कलेक्शन होता है। बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो जैसे की गार्डन लंदन में, ठीक है, इसके अलावा इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आते हैं, अगर हमें एनिमल्स की बात करनी है टैक्सोनॉमिक एड्स में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी जूलॉजिकल गार्डन्स की, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन या जैसे जू में भी होता है, बट जू में क्या होता है, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स प्रॉपरली, ठीक है। जू के अंदर बहुत प्रॉपरली हम उनकी केयर नहीं करते हैं, इसलिए जू में तो डे बाय डे एनिमल्स जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसके अलावा जूलॉजिकल गार्डन की हम बात कर सकते हैं। जूलॉजिकल गार्डन के अलावा आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, दीज आर द मेन साइट्स वेयर वी डिस्कस अबाउट द लिविंग एनिमल्स। ओके, तो जूलॉजिकल गार्डन में हम एनिमल्स की बात करेंगे और बॉटनिकल गार्डन में हम प्लांट्स की बात करेंगे। ये तो था सारा हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। अब बात आती है की की, तो चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है की। ओके, मैंने आपको अभी बताया भी था कि अगर आपको आपके पास कोई प्लांट है और अगर आपको उस प्लांट के बारे में नोन करना है, उस प्लांट के बारे में जानना है, तो आपको कीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए वो कीज क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कीज लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, इनको हम बोलते हैं कीज। ओके, अब देखिए जनरली समझना है इसको, कीज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट कलेक्ट किया, आपके अपने सराउंडिंग से आपने एक प्लांट कलेक्ट किया, इसकी लीव्स थोड़ी सी लंबी है और इसके रेड कलर के फ्लावर्स है। ओके बेटा, इसमें किस कलर के फ्लावर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये लीव्स है, ओके, और इसके रेड कलर के फ्लावर्स है, अंडरस्टैंड, दे आर हैविंग रेड कलर फ्लावर्स। अब देखो, यू डोंट नो अबाउट द प्लांट्स, आपको प्लांट के बारे में पता नहीं है कौन सा प्लांट है, किस फाइलम से, किस डिवीजन से रिलेट करता है, then we have to be going the keys. अब जब आप कीज पे जाओगे तो आपको वहां पे कपलेट मिलेगा। कपलेट मीन्स आपको टू सेंटेंसेस मिलेंगे एंड ईच सेंटेंस और ईच पॉइंट इज नोन एज ए लीड, ईच पॉइंट इज नोन एज लीड, ठीक है, यानी आपको कपलेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कपलेट है कि प्लांट हैज शॉर्ट लीव्स
ब्रांड फ्लावर्स। ओके, दूसरा जो कपलेट है वो आपके पास है, प्लांट हैज लॉन्ग लीव्स एंड रेड फ्लावर्स एंड रेड फ्लावर्स। तो देखिए, आपने दोनों जो लीड थी उनको डिस्कस किया इस कपलेट में, आपने देखा कि मेरा जो प्लांट है वो सेकंड से बिलोंग करता है, मतलब कैसी है, लीव्स लॉन्ग है और रेड फ्लावर्स है। अब यहाँ पे जो आपने सेंटेंस रीड किया था उस पर लिखा हुआ गो टू थ्री, ठीक है, जैसे ही आप थर्ड पे गए तो वहां पे फिर से आपको कपलेट मिलेगा, अंडरस्टैंड, फिर से आपको कपलेट मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ प्लांट हैज प्योर रेड कलर फ्लावर एट एपिकल पॉइंट, और यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट हैज प्योर रेड कलर फ्लावर एट एक्सियल एंड एपिकल पॉइंट। ऐसा क्लियर? मतलब आपने क्या देखा कि भाई सबसे पहले आप फर्स्ट वाले कपलेट पे गए, वहां पे आपको दो लीड मिली, आपने सेकंड लीड को रीड किया जो आपके प्लांट से रिलेट करती है, वहां पे लिखा हुआ था गो टू थ्री, जब आप थ्री पे आए तो आपने देखा कि प्लांट हैज प्योर रेड कलर फ्लावर एट एपिकल, लेकिन हमारे तो एपिकल नहीं, एक्सियल पोजिशन पे भी फ्लावर्स है, देन वी हैव टू बी गो टू द सेकंड पॉइंट। फिर यहाँ पे जो आप जाएंगे तो लिखा होगा गो टू फाइव, इस तरीके से आप क्या है लेटर ऑन मूव करते रहेंगे, और जब आप मूव करते रहेंगे तो आपको लास्ट में आपके प्लांट की पूरी डिटेल्स डिस्क्राइब्ड फीचर के साथ आपको क्या उसका नेम बताना चाहिए। क्लियर? इस तरह से पूरी डिटेल हम नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीज, ठीक है। कीज में जो सेंटेंस होते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ और पेयर में सेंटेंस होते हैं, दैट इज नोन एज कपलेट, एंड ईच पॉइंट और ईच सेंटेंस ऑफ द कपलेट इज नोन एज लीड। So this is all over about the chapter number 1. I hope everything should be clear to you. If you have any query, you should ask to me. Okay, beta, have a good day.